वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक करने की कोशिश जरूर किया करें। कहानी की शुरुआत एक किंग को दिखाते हुए होती है। उस किंग को जंगल में से एक बच्चा मिलता है। इस बच्चे का नाम काई होता है और यही इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। अब वहाँ के लोगों का मानना था कि इस बच्चे को जंगल के मॉन्स्टर्स ने पाला है, लेकिन किंग उस बच्चे में कोई खास चीज देखते हैं जो कोई और नहीं देख पाता, इसीलिए वो उसे अपने घर ले आते हैं। अब गाँव के लोग उस बच्चे यानी काई को समझते थे कि वो एक कर्स्ड बच्चा है, इसीलिए कोई भी उसे अच्छा नहीं समझता सिवाय एक लड़की के, और वो लड़की होती है किंग की बेटी प्रिंसेस। प्रिंसेस काई को काफी ज्यादा पसंद करती थी। इसके बाद काई देखते ही देखते बड़ा हो जाता है, लेकिन उसके बिहेवियर में अभी तक कोई भी चेंज नहीं आया था। वो स्टार्टिंग से ही सबकी इज्जत किया करता था और हमेशा ही सबके सामने झुक कर रहता था। तभी दिखाया जाता है कि एक जायंट मॉन्स्टर जंगल में कहीं से आ गया है। अब सारे सोल्जर्स उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाते। उल्टा वो जायंट मॉन्स्टर उन पर भारी पड़ रहा था। वो सभी पर अटैक करके उन्हें मारता जा रहा था। अब इसी दौरान हम एक फॉक्स को देखते हैं जिसकी दो कलर की आईज थी और वो ये सब होता देख रही थी, और वो जायंट मॉन्स्टर किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रहा था। लेकिन इसी बीच काई भी अपने घोड़े पर बैठकर उसका पीछा करने लगता है, और तभी एक सोल्जर यासुनो और वो मॉन्स्टर एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। अब वो मॉन्स्टर तेजी से उसकी तरफ भाग कर आ रहा था, और तभी इस मॉन्स्टर को काई देख लेता है और वो समझ आता है कि अगर इसे ना रुका तो ये यासुनो को मार देगा। इसीलिए काई भी तेजी से भागता है उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए, और वो जल्दी से अपनी तलवार उठा लेता है और उस तलवार से वो उस मॉन्स्टर के गले पर मारता है, जिससे उस मॉन्स्टर की फौरन मौत हो जाती है। अब इस तरह से काई ने यासुनो की जान बचा ली थी, लेकिन यासुनो इतना ज्यादा सेल्फिश होता है कि वो काई से कहता है कि तुम्हारे हाथों से बचने से बेहतर था मैं मर ही जाता। अब उसकी इस बात से काई काफी हर्ट होता है। इतनी ही देर में किंग भी वहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर सब यही सोच रहे होते हैं कि उस मॉन्स्टर को मारा है यासुनो ने, और यासुनो भी किसी को सच्चाई नहीं बताता कि काई ने मारा है उस मॉन्स्टर को, न कि मैंने। एनीवे, किंग अब यासुनो को उस मॉन्स्टर का एक सिंग रिस्पेक्ट के तौर पर देते हैं। वहीं पर एक कमांडर भी खड़ा हुआ था जो किंग का सबसे खास आदमी था, और इनका नाम ओइशी था। अब ओइशी काई के हाथों पर लगा हुआ खून देख लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि इस मॉन्स्टर को काई ने मारा है। अब यहाँ पर हमें ये बात तो क्लियर हो जाती है कि राजा एक अच्छे इंसान थे। इसके बाद हमें दूसरे किंगडम का राजा दिखाया जाता है जिसका नाम कीरा होता है। अब कीरा अपनी खास साथी जो कि एक विच थी उसके साथ मिलकर दूसरे किंगडम पर कब्जा करने का प्लान बनाता है, यानी वो काई के किंगडम पर कब्जा करना चाहते थे। अब जंगल में दो आंखों वाली फॉक्स जो हमने देखी थी वो कोई और नहीं बल्कि यही विच थी। अब वो विच कीरा को काफी इंसिस्ट करती है कि इस फेस्टिवल पर हम जरूर जाएंगे। इसके कुछ दिन बाद फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है। इस फेस्टिवल में सबसे बड़ा किंग भी आया हुआ था। सबसे बड़ा किंग यानी जो सारे किंगडम्स का लीडर होता है, और वही सबसे बड़ा राजा भी होता है। अब किंगडम्स के राजा की बात सबको माननी पड़ती है और उसी का ही हुक्म चलता है। अब यहाँ पर एक खेल होने वाला था। सभी किंगडम्स का एक एक वॉरियर आगे आएगा और वो आपस में लड़ेंगे, और जिस किंगडम का वॉरियर जीत जाएगा उस किंगडम की रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। अब दूसरी किंगडम यानी कीरा की तरफ से एक काफी लंबा चौड़ा आदमी आता है जिसे देखकर सबकी आंखें खुल जाती हैं। अब काई की तरफ से यासुनो ने आगे आना था क्योंकि सबको लग रहा था कि जायंट मॉन्स्टर को उसने मारा है इसलिए, लेकिन यासुनो तो टेंट में अजीब हालत में मिलता है। तब ये देखकर कमांडर ओइशी का बेटा उसे पूछता है कि क्या हुआ आपको, आप ठीक है ना। असल में यासुनो की आईज बिल्कुल व्हाइट हो गई थी, और जब काई ने उसकी ऐसी हालत देखी तो वो समझ गया कि इसे किसी ने पोजेस कर लिया है। काई कहता है कि किंगडम की इज्जत बचाने के लिए अब किसी को तो जाना ही है ना। अब यहाँ पर एक रूल बनाया गया था कि सिर्फ वॉरियर्स ही उस लड़ाई में लड़ सकता है और कोई भी नहीं। अब हालांकि काई भी एक वॉरियर ही था, लेकिन कोई भी उसे वॉरियर समझता नहीं था। सबका यही मानना था कि वो प्योर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी काई वॉरियर्स वाला कॉस्ट्यूम और मास्क पहन लेता है। अब काई उस लंबे चौड़े आदमी से लड़ने के लिए चला जाता है। अब स्टार्टिंग में तो काई ने उसे भारी टक्कर दी, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो लंबा चौड़ा आदमी पावरफुल भी था, इसीलिए वो काई को जोर से किक मारता है जिसकी वजह से काई पीछे जाकर गिरता है। इसके बाद काई उठकर दोबारा से उसके साथ लड़ने लगता है, लेकिन इस बार काई की तलवार टूट जाती है और इस बार वो आदमी काई को जोर से पंच मारता है जिसकी वजह से काई दूर जाकर गिरता है। साथ साथ अब उसका मास्क भी उतर जाता है। अब काई को वहाँ पर देखकर सब लोग काफी हैरान रह जाते हैं। अब किंगडम्स का राजा जब ये देखता है कि वो वॉरियर नहीं है तो वो वहाँ पर आता है। वो काई से पूछता है कि तुम वॉरियर नहीं हो तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अब तुम्हें इस बात की सजा मिलेगी और वो सजा सिर्फ मौत है। अब जैसे ही काई की गर्दन को तलवार से काटा जाने लगा था तो प्रिंसेस उसे बचाने के लिए फौरन भाग कर वहाँ पर आ जाती है। अब किंगडम्स के राजा ने उसे मौत की सजा से तो माफ कर दिया था, लेकिन उसने कहा कि सजा फिर भी मिलेगी और वो ये कि अच्छे से इसकी पिटाई कर दो, इसे मारो पीटो। तब राजा के हुक्म पर काई को बहुत ज्यादा मारा जाता है। इसके बाद हम
रात को विज और कीरा को एक साथ देखते हैं। असल में वो प्लान बना रहे थे कि उन्होंने आज रात ही काई के राजा को मार देना है। अब यहाँ पर विज एक प्लान बनाती है और वो किंग के रूम में जाती है। वहाँ जाकर वो किंग को पोजेस कर लेती है। अब जैसे ही किंग पोजेस होते हैं तो वो देखते हैं कि कीरा उनकी बेटी यानी प्रिंसेस से मिसबिहेव कर रहा है। इसीलिए किंग तलवार लेकर नींद में ही कीरा को मारने के लिए चला जाता है। अब जैसे ही किंग कीरा को मारने लगते हैं तो सभी सोल्जर्स आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पर राजा पूरी तरह से पोजेस्ड थे और जब ओशी भी उनकी आंखों का ये हाल देखते हैं तो वो भी समझ जाते हैं कि राजा को किसी ने पोजेस किया हुआ है और सभी किंगडम्स का राजा भी वहाँ पर आ जाता है। और जब उसे ये बात पता चली कि किंग ने कीरा को मारने की कोशिश की है तो वो किंग को समझाता है कि तुमने बहुत गलत किया है, वो तुम्हारे घर मेहमान था और तुमने सोते हुए उसकी जान लेने की कोशिश की, ये तो बहुत बड़ी गलती है जिसकी सजा सिर्फ मौत है, क्योंकि सबके साथ इंसाफ होगा, चाहे वो कोई राजा हो या फिर कोई आम आदमी हो। किंगडम्स का वो राजा किंग से कहता है कि तुमने इस किंगडम के लिए बहुत मेहनत की है, इसीलिए हम तुम्हें एक रिस्पेक्ट वाली, एक इज्जत वाली मौत देंगे, यानी तुम खुद अपने हाथ से अपनी ही जान लोगे। अब वहाँ का ये मानना था कि जो इंसान अपनी जान खुद लेगा तो ये एक रिस्पेक्ट वाली, इज्जत वाली बात है। अब किंग अपने इस पनिशमेंट को पूरी ईमानदारी से कबूल करते हैं और वो अपने पेट में चाकू घुसा लेते हैं। अब ओशी ना चाहते हुए भी इसमें अपने राजा का साथ देता है और किंग का सर ही धड़ से अलग कर देता है। अपने बाप की मौत को देखकर प्रिंसेस बहुत ज्यादा दुखी होती है। इसके बाद किंगडम्स का राजा बहुत ही गलत फैसला कर देता है। वो कहता है कि हम ये किंगडम कीरा के हवाले कर रहे हैं और प्रिंसेस के पास एक साल का टाइम है जिसमें कि वो अपने फादर की मौत का दुख मना सकती है और उसके बाद प्रिंसेस की शादी कीरा से कर दी जाएगी। अब क्योंकि कीरा को सारी पावर्स मिल गई थी इसीलिए वो इस बात का नाजायज फायदा उठाता है। वो सबसे पहले किंग के खास कमांडर ओशी को प्रिजनर बनाता है। इसके बाद किंग के जितने भी अच्छे लोग थे उन सबको प्रिजनर बना दिया और काई को उसने एक आइलैंड पर भेज दिया। इसके बाद वो एक साल गुजर जाता है। अब ओशी की सजा भी खत्म हो गई थी इसीलिए वो उसे आजाद कर दिया जाता है। और जब ओशी का बेटा अपने फादर को देखता है तो वो उन्हें घर ले आता है। अब ओशी के दिल में सिर्फ एक ही चीज थी और वो था बदला। वो कीरा से अपना बदला लेना चाहता था उसे मार कर, सबसे पहले तो अपने किंग का बदला, उसके बाद किंग के लोगों के साथ उसने जो किया उसका बदला। इसीलिए वो अपने बेटे से पूछता है कि हमारे बाकी सोल्जर्स कहां पर हैं, जिस पर उसका बेटा जवाब देता है कि वो सारे जंगल में छुप कर रह रहे हैं। अब यहाँ पर ओशी अपने बेटे के थ्रू अपना मैसेज अपने सोल्जर्स तक पहुँचाता है और ओशी खुद भी किसी को लेने के लिए चले जाते हैं। ओशी उसी आइलैंड पर चले जाते हैं जहाँ पर काई को भेजा था। वो देखते हैं कि इस आइलैंड को तो बहुत बुरा हाल है, लोग सारे आम ही शराब पीते हैं, बुरी बुरी चीजें करते हैं। इसके बाद ओशी अंदर चले जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि फाइट चल रही है और ये फाइट एक आदमी और एक जॉइंट मैन के बीच चल रही थी। वो जॉइंट मैन उस दूसरे आदमी पर भारी पड़ रहा था लेकिन फिर देखते ही देखते वो आदमी उस जॉइंट मैन का सर ही धड़ से अलग कर देता है। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि काई था। अब ओशी वहाँ के लोगों से कहते हैं कि मैं भी फाइट करना चाहता हूँ, इसीलिए उन्हें भी अंदर भेज दिया जाता है और वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। अब लड़ाई के दौरान ओशी काई को समझाने की काफी कोशिश करते हैं कि मैं हूँ ओशी, क्या तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो, लेकिन काई तो उसे नहीं पहचान रहा था, जैसे उसकी याददाश्त चली गई हो। वो लगातार ओशी पर अटैक कर रहा था। अब यहाँ पर ओशी खुद को बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं, साथ साथ काई को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन काई तो अब भी उन्हें नहीं पहचानता। लेकिन जब ओशी ये कहते हैं कि हमने प्रिंसेस को बचाना है, उसके दुख का एक साल खत्म हो गया है और अब कीरा से उसकी शादी कर दी जाएगी तो हमें उसे बचाना है, अब यहाँ पर काई को सब कुछ याद आ जाता है। इसीलिए वो दोनों लड़ने की एक्टिंग करते हैं और लड़ते लड़ते वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं। उन्हें रोकने के लिए उन पर गोलियां भी चलाई जाती हैं, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी तरह बच जाते हैं और जाते जाते वो वहाँ पर आग लगा देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अब यहाँ पर उनकी एक छोटी सी आर्मी बन गई थी लेकिन उनके पास वेपन्स नहीं थे, तो यहाँ पर काई कहता है कि जंगल में जो मॉन्स्टर्स रहते हैं हम उनसे जाके वेपन्स लेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो हमारी हेल्प जरूर करेंगे, असल में मैं वहीं पर ही पला बड़ा हूँ, सब कुछ वहीं से ही सीखा है, लेकिन वो हमें एक ही शर्त पर वेपन्स देंगे। जब हमने उनकी टेस्ट को पास कर दिया तब उनमें से एक पूछता है कि उनका टेस्ट कितना मुश्किल होगा, जिस पर काई कहता है कि वो टेस्ट इतना मुश्किल होता है कि उसे पास करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसके बाद वो लोग जंगल में एंटर करते हैं। ये कोई आम जंगल नहीं था बल्कि भूतों का जंगल था और कब्रों में से सारे सोल्स बाहर आकर इधर उधर फिर रहे थे। इसके बाद ये उन मॉन्स्टर्स की केव तक पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर काई सिर्फ ओशी को ही अपने साथ अंदर लेकर जाता है और बाकी साथियों को वो बाहर ही रुकने के लिए कहता है। फिर थोड़ी अंदर जाकर उसने ओशी को भी वहीं रुकने के लिए कहा और यहाँ पर वो ओशी को ये भी कहता
कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए अपना वेपन मत निकालना। इसके बाद काई वहाँ से और अंदर चला जाता है और ओइशी वहीं पर ही रुककर उसका वेट करता है। वहाँ पर जितने भी लोग थे उन्होंने येलो कलर का ड्रेस पहना हुआ था और वो सब झुके हुए थे। इसके बाद काई जब अंदर जाता है तो वहाँ पर मॉन्स्टर जैसा एक इंसान आता है। वो काई को कहता है कि आ गए तुम वापस, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। जिस पर काई कहता है कि मैं यहाँ पर हथियार लेने आया हूँ। तो वो मॉन्स्टर जैसा इंसान बीच रखी हुई तलवार की तरफ इशारा करके कहता है ले लो हथियार। उधर यासुनु कहता है कि मुझे लग रहा है कि वो लोग काई को ले गए हैं अपने साथ और मुझे इन मॉन्स्टर जैसे इंसानों पर यकीन नहीं है, और अगर वो थोड़ी देर के बाद भी वापस ना आए तो हम जाएंगे अंदर। उधर ओइशी भी काई का वेट कर रहा था, लेकिन तभी यासुनु अपने साथियों के साथ वहाँ पर आ जाता है। तब ओइशी उनसे कहता है कि तुम लोग अंदर क्यों आए, मना किया था ना अंदर आने के लिए। अब वहाँ पर जितने भी वो इंसान थे जो झुके हुए थे वो हिलने लगते हैं। तब ये देखकर यासुनु अपनी तलवार निकाल लेता है। अब जैसे ही यासुनु ने तलवार निकाली होती है वैसे ही वो येलो ड्रेस वाले लोग उठ जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। अब वहाँ पर एक आवाज गूंज रही थी जो ओइशी को कह रही थी कि जल्दी करो अपना हथियार निकालो, अपने साथियों को बचाओ, क्या तुम उन्हें ऐसे ही मरने दोगे। अब ये आवाज सुनकर भी ओइशी अपना हथियार नहीं निकालता। उधर काई और वो मॉन्स्टर जैसा इंसान तलवार से सेम दूरी पर खड़े थे। अब पहले काई उस तलवार की तरफ बढ़ता है और बाद में वो मॉन्स्टर जैसा इंसान। अब क्योंकि उस मॉन्स्टर जैसे इंसान में पावर्स थी इसीलिए वो आगे बढ़ रहा था तेजी से, लेकिन यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि वो सारी पावर्स काई के पास भी थी क्योंकि बचपन में उसने सब कुछ इन लोगों से ही तो सीखा था। तो इसीलिए काई उससे भी ज्यादा स्पीड में आगे आकर वो तलवार ले लेता है। उधर दिखाया जाता है कि ओइशी ने अपनी तलवार नहीं निकाली तो सब कुछ पहले जैसा हो गया। बात ये है कि उसके साथी तो अंदर आए ही नहीं थे, उसे सिर्फ विजन दिखाया जा रहा था ताकि वो अपना हथियार निकाले। उसने तलवार इसीलिए नहीं निकाली क्योंकि उसे काई की बात याद थी कि चाहे कुछ भी हो जाए हथियार नहीं निकालना। अब क्योंकि इन्होंने उन मॉन्स्टर जैसे इंसानों का टेस्ट पास कर लिया तो इसीलिए सारे हथियार उन्हें मिल जाते हैं और अब ये टोटल 47 रोनिन हो गए हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि रोनिन आखिर होते कौन है। असल में जो वॉरियर्स होते हैं वो अपनी किंगडम और अपने राजा के लिए किसी भी सूरत जान देने को तैयार होते हैं, और अगर कोई ऐसा काम जो वॉरियर को करने के लिए कहा गया था और उसने वो नहीं किया तो वो रोनिन बन जाता है। अब यहाँ पर उन्हें पता था कि अगर वो बदला लेने गए तो क्या पता वो बचकर वापस ना आए, और अगर ये वापस चले भी गए तो किंगडम्स का राजा उन्हें मौत की सजा सुना देगा क्योंकि अगर कोई उसकी बात के अगेंस्ट जाता है तो वो सजा देने के लिए उसे मौत ही देता है। अब ये 47 रोनिन एक पेपर पर साइन करते हैं ताकि हिस्ट्री में उन्हें हमेशा याद रखा जाए। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि आज प्रिंसेस और कीरा की शादी थी। अब इस शादी को रोकने के लिए रोनिन वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब ये लोग वैसे तो अंदर जा ही नहीं सकते थे इसीलिए वो अपना भेस बदल कर अंदर जाते हैं। वो ट्रेटर वाले बन कर वहाँ पर जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो महल के चारों तरफ से अंदर आने लगे। अब ओइशी कॉस्ट्यूम पहन कर स्टेज पर डांस कर रहा था और बाकी सब ने भी मास्क लगाया हुआ था। अब क्योंकि वहाँ पर डांस चल रहा था इसी बात का फायदा उठाकर वो 47 रोनिन कीरा के लोगों को मारने लगते हैं। अब ये रोनिन समझदारी का मुजाहिरा करते हुए कीरा के लोगों को मारते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी कोई ओइशी को तीर मार देता है और जैसे उसे तीर लगता है उसका मास्क हट जाता है। तब ये देखकर कीरा के होश उड़ जाते हैं। ऐसा होते ही वहाँ पर हलचल मच जाती है, कीरा और 47 रोनिन के बीच फाइट होने लगती है। वहाँ पर बिल्कुल जंग का माहौल बन गया था। अब हालांकि 47 रोनिन कीरा के बहुत सारे लोगों को मार चुके थे लेकिन इसके बावजूद भी उनकी लड़ाई जबरदस्त हो रही थी। इसी बीच काई भी प्रिंसेस के पास पहुँच जाता है। उधर ओइशी भी कीरा के पीछे पड़ा हुआ था। जैसे ही काई प्रिंसेस को ये कहता है कि हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता तो तभी वहाँ पर वो विच आ जाती है, और तभी अचानक से वो विच अपने असली रूप में आ जाती है, यानी वो एक ड्रैगन थी और साइज में भी काफी बड़ी थी। अब यहाँ पर काई हिम्मत करके बहादुरी से उसका मुकाबला करने लगता है, लेकिन वो तो हर जगह फैल चुकी थी और मुँह से आग निकाल रही थी। अब काई अपनी तलवारबाजी को इस्तेमाल करता है और वो उस विच को मार देता है। उधर ओइशी भी कीरा पर भारी पड़ रहा था। ओइशी कीरा को कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं सबका बदला लेकर रहूंगा तुमसे, और ऐसा कहकर ही वो कीरा का सर ही धड़ से अलग कर देता है। अब उसने कीरा का सर अपने हाथ में पकड़ा होता है। तब कीरा के सर को उसके हाथ में देख कर लड़ाई रुक जाती है। अब यहाँ पर 47 रोनिन जीत गए थे और उन्होंने अपना बदला भी ले लिया था कीरा से, लेकिन जब वो सभी किंगडम्स के राजा के पास जाते हैं तो राजा उन्हें कहता है कि तुमने ये काम मेरी मर्जी के खिलाफ किया है, मैंने कहा था कि कोई अटैक नहीं करना, कोई बदला नहीं लेना, लेकिन तुमने फिर भी ऐसा किया, इसीलिए अब तुम्हारे लिए सिर्फ मौत की सजा है, लेकिन तुम सब रिस्पेक्ट यानी इज्जत वाली मौत ही मरोगे क्योंकि बेशक तुम मेरे खिलाफ गए लेकिन तुमने अपने राजा
राजा को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं की, इसीलिए मैं तुम्हें इज्जत की मौत देना चाहता हूँ। यानी तुम भी तुम्हारे राजा की तरह खुद ही अपनी जान लो, यानी खुद ही अपने आप को मारो। अब यहाँ पर ओशी उसकी ये बात मान लेता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि उन सब ने व्हाइट कलर का ड्रेस पहन लिया है और खुद को मारने के लिए वो बिल्कुल रेडी है। और ये सब देख कर प्रिंसेस रो रही होती है। फिर किंगडम्स का राजा ओशी के बेटे को वहाँ से उठा देता है और कहा कि तुम अपनी जान मत लो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ओशी का कोई तो एक जिंदा बचे उसकी निशानी के तौर पर। इसके बाद वो सब अपनी जान ले लेते हैं, रिस्पेक्ट वाली मौत मिलती है उनको बिल्कुल वॉरियर की तरह। तब उन्हें देखकर प्रिंसेस रोने लगती है और यहीं पर ये मूवी द एंड हो जाती है।